हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ डिस्कस किया था और टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ डिस्कस किया था। वो तीनों ही ग्राफ कंटिन्यूस थे और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है उसके अंदर डोमेन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज था और टैन के अंदर भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लेकिन वो ओपन था और कोस को हमने कोस इनवर्स एक्स को जीरो से पाई लिया था। वहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात ये थी चेतन कि तीनों ही ग्राफ जो थे साइन और कोस तो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे थे और कोस इनवर्स फर्स्ट और सेकंड में आ रहा था और अभी तक हमने थर्ड क्वाड्रेंट का यूज़ नहीं किया था। तो आज बाकी के तीनों ग्राफ भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बारे में सब कुछ देखेंगे क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद और हम एक आपको एक बहुत बढ़िया सी चीज़ सिखाएंगे और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कोट एक्स के बारे में बात करते हैं, तो पहले कोट एक्स के ग्राफ को देखते हैं फिर कोट इनवर्स एक्स के ग्राफ को बनाएंगे। तो बच्चों ये कोट एक्स का ग्राफ पर साइन एक्स आपका जीरो होता है वहां पर ये डिफाइंड नहीं होता और साइन एक्स आपका जीरो कहां पे होता है, एन पाई पे होता है, जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, थ्री पाई पे, इस तरह होता है। तो अब हमें कोट एक्स का ग्राफ बनाते हैं और उसके बारे में जानते हैं क्या है क्या नहीं है और उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये बच्चों आपका ये मालूम है ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका जीरो है, ये मैंने इधर टू पाई ले लिया और इसके बीच में पाई होता है, ये पाई बाई टू है और ये थ्री पाई बाई टू है और इधर इसके बीच में आधा माइनस पाई, ये माइनस पाई बाई टू और ये माइनस थ्री पाई बाई टू। यहाँ तक बात आप सबको समझ आती है अच्छी तरह, क्लियर है चेतन, ऐश्वर्या ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों अब हम अपनी बातें करते हैं, यदि इलेवंथ क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री की हो तो कोट जीरो की वैल्यू, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती थी तो कोट जीरो की वैल्यू जो होगी वो इन्फिनिटी होगी। तो इसका मतलब वो असेम्प्टोट होगा, लाइन वाई एक्स इक्वल वाई एक्सिस के अलोंग होगा और वो लाइन जो होगी एक्स इक्वल टू जीरो होगी और वहाँ पर को टेन पाई बाई टू की वैल्यू जो थी इन्फिनिटी थी। इन्फिनिटी होती नहीं है जनरल में लेकिन हम कह देते हैं, तो यहाँ पर वो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं जीरो लगा देता हूँ और टेन पाई की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पर कोट पाई की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। तो ये आपको समझ आ रहा है बच्चों कि यहाँ पर भी ये क्या होगा, एक असेम्प्टोट होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ यहाँ से चला और ये ग्राफ इस तरह आया और इसके बाद ये आया। ये बात समझ आई बच्चों, क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जीरो से पाई बाई टू के बीच में कोट एक्स पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वाई एक्सिस के नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है और ग्राफ डिसकंटिन्यूस तो हो ही गया, और भी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अभी हम कलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर वो पॉजिटिव होता है और थ्री पाई बाई टू वैल्यू फिर उसकी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, कि कोस थ्री जहाँ पर जीरो होगा न्यूमरेटर की वजह से ही जीरो होता है और कोस टू पाई जो है आपका, तो ये आपका इसी तरह ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो इसी तरह ये जो कोट एक्स है हमारा, ये आपका किस तरह का ग्राफ है, कोट ऑफ माइनस एक्स जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस कोट एक्स होता है, मतलब ये ओड फंक्शन है। जैसा ग्राफ इस तरह बन रहा है वैसा ही ग्राफ क्या बनेगा, उस तरह बनेगा। तो उसको भी मैं बना, तो ये बच्चों आप लोगों कि ये वाला क्वाड्रेंट तक जो होता है आपका फोर्थ की तरह हो गया, तो फोर्थ बच्चों भी टू की वैल्यू क्या होगी, ये तो जीरो क्या होगी, ये ग्राफ यूं चलेगा। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो अब यहां पर जो जो बातें हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ग्राफ एक तो आपका डिसकंटिन्यूस है, ठीक है बेटा, और दूसरी बात ये इसका पीरियड के बारे में बताओ क्या है बेटा, इसका पीरियड जो है बच्चों पाई नजर आ रहा है, ठीक है, एक पाई के अंदर उसने पूरा का पूरा सब काम किया है, वो क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। और दूसरी बात ये जो है इसके रूट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं और इसके रूट्स जो हैं वो क्या है बच्चों, टू एन प्लस रूट्स जो हैं इसके टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू है और इसके अंदर असेम्प्टोट हैं बच्चों, यस, और असेम्प्टोट क्या हैं बच्चों, और ये बच्चों एन पाई, ये जो असेम्प्टोट है एक तो बच्चों क्या है जीरो है, एक क्या है पाई है और एक क्या है टू पाई, ये लाइंस के साथ क्या असेम्प्टोट है।
तो अभी तो एक इंटरवल के अंदर निकालने हैं तो बहुत सारे इन्फिनाइट्स होंगे, तो एसिम्प्टोट्स हम इसको लिख सकते हैं एन पाई, और एन किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो उस तरफ दूसरी तरफ भी इसके जो है एसिम्प्टोट बन जाएंगे। ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड नहीं है, तो लोअर बाउंड का तो मतलब ही नहीं बनता और अपर बाउंड का भी मतलब नहीं बनता, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ये देखो बच्चों, ग्राफ से हमें बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, पीरियोडिक के बारे में पता चल गया, रूट्स के बारे में पता चल गया, इसकी जो रेंज है वो हमें नज़र आ रही है, वो क्या बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और डोमेन इसकी आप लोगों को समझ आ रही है, सारी रियल वैल्यूज हैं, और क्या चीज़ नहीं होगी इसके अंदर, एन पाई नहीं होगी। तो इस तरह ये ग्राफ हमारा इसका तैयार हो गया। तो ये ग्राफ जो है बच्चे थोड़े से कम बनाते हैं तो नॉलेज में कम रहता है, लेकिन आपने ज़रूर बना बना के देखना है, जितने ग्राफ आप ज़्यादा बनाएंगे उतनी स्क्रीनिंग ज़्यादा रहेगी। अब बच्चों हमें जो ग्राफ बनाना है, ग्राफ जो है कोट इनवर्स एक्स का बनाना है, ठीक है। तो अब वही बात हुई, सब रहे मैथमेटिशियन के बीच में, फंक्शन वन वन ऑन टू होना चाहिए। अब आप देख रहे हो पाई बाई टू पे भी वैल्यू क्या ले रहा है, जीरो ले रहा है, थ्री पाई बाई टू पे वैल्यू जीरो ले रहा है, और भी बड़े सारे पॉइंट्स पे ले रहा है। तो अब मैथमेटिशियन ने डिसाइड किया कि क्या किया जाए, कि जिसको सारी दुनिया एक लैंग्वेज के थ्रू करे और सब कुछ करे और लोगों को कम मेहनत करनी पड़े, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जीरो और पाई के बीच में हम देखा करेंगे। तो जीरो और पाई में देखो ये रेंज कर ली, ये जो फंक्शन है वो वन वन है और इसके अंदर फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। तो कोट इनवर्स एक्स आज के बाद कभी आपको डिफाइन करना होगा तो आप किसके बीच में डिफाइन करेंगे, ओपन इंटरवल में जीरो से पाई, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और कोट इनवर्स एक्स के बारे में आप इधर देख सकते हो कि कोट इनवर्स एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये भी ले सकते थे लेकिन कन्वेंशनली ये लिया। हिंदुस्तान के अंदर जो कारें होती हैं वो राइट हैंड ड्राइव होती हैं, कन्वेंशन के थ्रू है, लेफ्ट हैंड ड्राइव कभी नहीं होती। यदि आपको कभी नज़र भी आएंगी तो एम्बेसडर की कारें नज़र आएंगी, तो आपकी हमेशा राइट हैंड ड्राइव है, तो ये कन्वेंशन हो जाती है, उसी के थ्रू करना होता है। तो ये कन्वेंशन बन गई कि जीरो से पाई। तो अब इसके ग्राफ में हम डिस्कस करते हैं, और ग्राफ जो है हमारा कोट इनवर्स एक्स है, और उस ग्राफ को हम देखेंगे कैसे बने और कैसे बने। तो बच्चों ग्राफ जो है हमारा और इनवर्स के बारे में जानते हो आप लोग, ये जो इनवर्स है ये जस्ट एक्सपोनेंट साइन है, ये एक्सपोनेंट नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। तो इधर देखो बच्चों ग्राफ जो है ये आपका एक्स, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। वहां पर आपने देखा था वाई इक्वल टू पाई पे और वाई इक्वल टू जीरो पे, वो एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू पाई पे क्या था, असिम्प्टोट था, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पर भी हमें एक्स इक्वल टू पाई, ये लाइन जो है हमारी एक्स इक्वल टू पाई थी, ठीक है बच्चों। जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, अभी पाई बाई टू यहां से जीरो होगा, बात है बच्चों समझ, ये हमारा जीरो है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और दिस, ठीक है। और इसकी जो रेंज है बच्चों, ठीक है, अब इसका जो डोमेन होगा ये बताओ बच्चों क्या लिया, अब डोमेन क्या लिया इसका, डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया, और जो रेंज है इसकी जीरो से पाई ओपन इंटरवल के अंदर, ठीक है समझ गए बच्चों। तो अब इधर देखो ये ग्राफ चला इधर से और ये आ गया, तो ये किसका ग्राफ तैयार हो गया बच्चों, कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ तैयार हो गया। तो अब कोट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है बच्चों, इसके बारे में रूट नहीं है, पाई बाई टू है, इट क्लियर। ये ग्राफ भी क्या बच्चों कंटिन्यूस है, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, पाई बाई टू है, वो क्या है, पाई बाई टू, ठीक है। वाई एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, पाई बाई टू, वो क्या है, पाई बाई टू, समझ आ रही है बात या नहीं अच्छी तरह। वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, पाई बाई टू, और ये पीरियोडिक वाली कोई बात ही नहीं,
ये बात आपको समझ आ रही है। और ये किस तरह का ग्राफ है बच्चों, ये ओड फंक्शन है जी, क्या बच्चों? ठीक है, क्योंकि ये देखो माइनस इक्वेशन में डिस्कस हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव इक्वेशन में डिस्कस हो रहा था। और ये जो है y एक्सिस के थ्रू क्या कहते हैं, जीरो के थ्रू रिफ्लेक्शन है, दिखने वाली बात ये है। ठीक है, तो ओड फंक्शन के बारे में हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते? ठीक है, ओड फंक्शन के बारे में हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते? ओड फंक्शन के बारे में कह सकते हैं या नहीं कह सकते, बताओ? नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो इस तरह ये कोट इनवर्स एक्स के बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये कोट इनवर्स एक्स कैसे होता है। अब हम अगला फोन ले अगला ग्राफ लेते हैं। अगला ग्राफ हम कोसेकेंट एक्स लेते हैं। y इक्वल टू कोसेकेंट एक्स, कोसेकेंट साइन एक्स, तो कैसा बनेगा? ये आपका जीरो है, ये आपका टू पाई है, ये आपका बीच में पाई है, ये पाई बाई टू है, ये थ्री पाई बाई टू है। ठीक है, अब आपको जीरो पे वैल्यू मालूम है इसकी क्या होती है बच्चों? साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो कोसेकेंट जीरो की वैल्यू क्या होगी? और इस पे पाई बाई टू पे वैल्यू क्या होगी? वन। और पाई पे फिर गड़बड़ होगी, और टू पाई पे फिर अनडिफाइंड होगी। तो ये देखो बच्चों, जीरो पे वैल्यू इसकी क्या आई थी? तो एक तो ये ग्राफ गया। हाँ जी, इसी तरह अब ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, और ये वैल्यू माइनस वन है। तो ये आपका ग्राफ किसका तैयार हो गया बच्चों? कोसेकेंट एक्स का। ठीक है, तो ये ग्राफ सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये दे रहा है कि ये ग्राफ जो है आपका बच्चों डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, इसका जो पीरियड है वो क्या है बच्चों? टू पाई है। इसका डोमेन क्या है बच्चों? ऑल रियल वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज हैं, और क्या नहीं होना सकता? एन पाई नहीं हो सकता। ठीक है, और इसकी जो रेंज है बच्चों वो क्या है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी। ये बाउंडेड है? नो। लोअर बाउंड का कोई मतलब नहीं बनता, अपर बाउंड का भी कोई मतलब नहीं बनता, पीरियोडिक है, टू पाई है। तो ये कोसेकेंट एक्स का ग्राफ आप लोगों के सामने तैयार हो गया। अब हमने बच्चों कोसेकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ तैयार करना है। अब मैथमेटिशियन के सामने फिर दिक्कत थी कि कहाँ पर ये वन वन ऑन टू होता है। जीरो पे भी वैल्यू देखो ये इन्फिनिटी ले रहा है, पाई पे भी वैल्यू इन्फिनिटी ले रहा है, इसका कोई रूट नहीं है बच्चों। बड़ी बात ये है, नहीं है ना, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये बस इंफॉर्मेशन आ रही है। तो अब इसका जो डोमेन लेना था, तो इसका जो ग्राफ हम इस तरफ भी, तो ये आपको मालूम है कि जो ग्राफ है वो दूसरा जो है वो इस तरह आएगा। ये आपका माइनस पाई बाई टू है, और इधर क्या है? माइनस पाई है, और ये क्या है? जीरो है। ठीक है, तो कोसेकेंट इनवर्स एक्स को भी हम डिफाइन करेंगे माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में। ठीक है, लेकिन उसके बीच में जीरो जो है वो तो उसको तंग करेगा। तब तो हम कोसेकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो वाई इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स एक्स, और इसकी जो रेंज है वो क्या होगी? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और दोनों इन बच्चों हमें कोसेकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। मालूम है ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो बड़ी क्लासेस में ये आपका ग्राफ जो है आप लोगों के काम बहुत ज़्यादा आता है, बहुत अच्छी तरह काम आता है।
अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। हाँ जी, इधर देखो बच्चों, ये एक लाइन खींच ली पाई बाई, और एक लाइन ये जीरो था, और ये लाइन दूसरी कौन सी खींच ली मैंने, y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसका ग्राफ अब आप मुझे बताओ, और एक बीच में वैल्यू होगी ये जीरो, ये वैल्यू जीरो है, वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो ये ग्राफ और डोमेन क्या है इसका, और एक वैल्यू यहाँ पे माइनस वन, और ये क्या ले ली वन, क्या ले ली माइनस वन और वन। इधर भी एक शेडेड लाइन बना देता हूं मैं, ठीक है, और इसको मैं ब्लू पेन से या ग्रीन पेन से बना देते हैं ताकि आपको ग्राफ समझ आ जाए। हाँ जी, माइनस वन वैल्यू कहाँ थी बच्चे ये बताओ, ये माइनस पाई बाई टू पे थी, किस पे थी, माइनस पाई बाई टू पे, और जीरो पे वो वैल्यू क्या ले रहा था, जीरो पे अनडिफाइंड ले रहा था, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा ये देखो जी, ये वैल्यू आ गई माइनस, ठीक है, और अब इसको कैसे बनाएंगे बताओ बच्चों, कैसे उल्टा कैसे, ये बात समझिए बच्चों, क्योंकि ये वाली चीज तो नहीं है बच्चों, माइनस वन से वन इस तरह जा रही है, ठीक है। और अब वन पे वैल्यू क्या ले रहा है, पाई बाई टू पे वैल्यू वन थी, ठीक है। तो ये और इधर अब ग्राफ कैसे जाएगा, और ये अब एक्स एक्सिस को अप्रोच कर, ये बात समझिए बच्चों। तो ये खुद सीखे यूनिवर्सेक्स का ग्राफ आप लोगों के सामने तैयार हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है बच्चों आप लोगों को मालूम है किस तरह का ग्राफ है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। और दूसरी बात इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों, वो मैंने लिख दी है, रेंज मैंने लिख दी है, ये बाउंडेड है, यस। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ग्राफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, और इसका लोअर बाउंड क्या है, हाँ, और अपर बाउंड क्या है, पाई बाई टू। तो लोअर बाउंड क्या है बच्चों, माइनस पाई बाई टू, और अपर बाउंड क्या है, पाई बाई टू। इज इट क्लियर, पीरियोडिक के बारे में कोई बात नहीं है, रूट्स इसका कोई है नहीं, ये उधर जा ही नहीं रहा। तो ये देखो बच्चों, ग्राफ माइनस वन और वन के बीच में नजर नहीं आ रहा, और बाकी हर जगह जो ग्रीन पेन से बना हुआ है वो क्या आपका कोसेकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब इसी तरह हम सीकेंट इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, पहले सीकेंट एक्स का ग्राफ बनाते हैं फिर सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। हाँ जी प्यारे बच्चों, सीकेंट एक्स का ग्राफ जो है y इक्वल टू बच्चों सीकेंट एक्स आप लोगों को मालूम किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, वन अपॉन कोस एक्स के, ठीक है। इसका ग्राफ x एक्सिस लिया और एक y एक्सिस लिया, आपका x है या, तो ये जीरो, ये टू, इसके बीच में पाई होता है, ये पाई बाई टू, और ये क्या होता है, थ्री पाई बाई टू, और ये इधर क्या बच्चों, माइनस टू पाई, इधर क्या आएगा, माइनस पाई, माइनस पाई बाई थ्री पाई बाई टू। अब आपको कोस की वो क्या होती है, कोस जीरो की वैल्यू वन है, ये वन आ गई, और ये चला गया, समझिए बात बच्चों। और उसके बाद जब cos secant pi की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, ये माइनस वन होगी, secant 3 pi by 2 पे, फिर ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी की तरफ,
तो ये आपका ये देख रहे हैं आप, और उसके बाद 3π/2 पे ये वैल्यू फिर यूँ आएगी, और 2π पे वैल्यू फिर इसकी ये जो है 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आप इधर भी देख सकते हैं, tan x जो होता है आपका इवन फंक्शन होता है, आपकी ये जा रही है इस तरह, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ये आपका ग्राफ ये बात आपको समझ आई नहीं? तो पहली बात तो हमें यहाँ ये समझ आ रही है, ये जो ग्राफ है आपका डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, ये बात समझ आई? और इसका जो पीरियड है वो क्या है, 2π है, और ये बाउंडेड नहीं है, ठीक है। इसका रूट्स कोई नहीं है, इसके असेम्प्टोट जो हैं वो हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से हैं असेम्प्टोट, π/2, 3π/2, तो इसको हम एक जनरल में लिख लेते हैं, 2n+1 इंटू π/2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। और इसकी डोमेन भी आप लोगों को समझ आ रही है, तो इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज माइनस क्या नहीं हो सकता, 2n+1 इंटू π/2 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। और इसकी जो रेंज है जैसे कोसेकन की थी वैसे ही है, −∞ से −1 यूनियन 1 से ∞, ये आपकी इसकी रेंज है। तो इस तरह ये ग्राफ जो है आपका cos secant x का तैयार हो गया। अब हमें secant x का ग्राफ देखना है, तो secant इनवर्स x का ग्राफ देखने के लिए आप लोगों को बच्चों मालूम कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 on 2 होना चाहिए था, लेकिन 1 1 on 2 तो वो कहीं नज़र आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर इसको मैं पेन से डिनोट कर देता हूँ, जो सारे मैथमेटिशियन ने देखा वो यहाँ से लेके यहाँ तक, वो तो बहुत कुछ सकता था जो उन्होंने कन्वेंशनली किया, ये जो है ये जो पोर्शन मैंने ऑन टू है इसके बीच में, तो इसका मतलब एक्स का जो डोमेन होगा −1 यूनियन 1 से ∞, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी, बताओ बच्चों इसकी जो रेंज होगी वो उसकी डोमेन होगी। तो इधर डोमेन क्या थी बच्चों, ऑल रियल वैल्यूज −2n+1π/2, जो वो डिसाइड किया 0 से π, क्या डिसाइड किया 0 से π, और 0 और π क्या है बच्चों, इंक्लूडेड है, और उसमें π/2 जो है वो इस तरह है। तो ये इसकी क्या बन गई, डोमेन बन गई, क्या बन गई इसकी डोमेन बन गई, और रेंज बन गई। तो इस तरह अब हम secant इनवर्स x का ग्राफ भी बनाते हैं, और आप देखेंगे कि वो secant इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है। y = secant inverse x, इसको मैं अलग पेन से बना रहा हूँ, ये आपका x एक्सिस है, और इसको लिख लेते हैं y = secant inverse x, और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। यदि आपने secant x का ग्राफ बनाया था तो secant inverse x का ग्राफ भी आप लोग बड़े आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, यहाँ पर आप देखो ये पॉइंट आपका है 0,1, क्या पॉइंट ले लिया 0,1, ठीक है। ये तो secant inverse x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है आपका 0 होगा, और उसके बीच में एक लाइन ये π/2 होगी, ठीक है। तो अब हमें secant inverse x का ग्राफ बनाना है, और इसका जो रेंज है वो डोमेन जो है −∞ से −1 आ रहा है, और 1 से ∞ भी आ रहा है, तो एक लाइन हमें ये −1 हो गई, और ये x = −1 हो गई।
तो यहाँ तक बात समझ आती है नहीं आती? तो अब बच्चों हमें सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। तो माइनस वन वैल्यू आपको मालूम है कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है, पाई पे होती है। तो इसको भी इस तरह कर लो, तो माइनस वन वैल्यू पाई पे, और ये जो है आपका, समझिए बात जी, ओके। और जो वन वैल्यू है, ठीक है, वन वैल्यू जो होती है वो कहाँ होती है, जीरो पे होती है। तो ठीक है, तो इसे मैं रेड पेन से कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे। तो ये आपका सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ, तैयार हो गया। और इस ये ग्राफ जो है बच्चों डिसकंटिन्यूस है, रेंज और डोमेन के बारे में बता ही चुका हूँ, रूट कोई है नहीं इसका, बाउंडेड है ही ये, ठीक है। लोअर बाउंड इसका जीरो है और अपर बाउंड इसका पाई है, ठीक है। और इस तरह ये सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ तैयार हो गया। तो अब बच्चों इसका टेबल एक मैं बनाता हूँ आप लोगों के आगे, तो वो टेबल आप लोगों ने याद रखना है और सारे ग्राफ भी अपने दिमाग में अच्छी तरह रखने हैं। और इन छः छः जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये देखो बच्चों, ये आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो अनयूज्ड है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो इधर देखो, ये जो फर्स्ट और फोर्थ में यूज हुए वो कौन कौन से यूज हुए, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स, ठीक। और इसके अंदर जो यूज हुए फर्स्ट और जो यूज हुए फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो यूज हुए वो आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज हुए वो कौन कौन से यूज हुए, सीकेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स। यहाँ पर सब जगह माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था, इसके अंदर क्लोज था और इसके अंदर ओपन, इसके अंदर एक जीरो वोल्ट नहीं था। और ये आपका जीरो से पाई था, ये भी जीरो से पाई था, ये भी एक जे कोस था, कोस इनवर्स एक्स। तो आपने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है फर्स्ट और सेकंड में यूज़ होती है या फोर्थ और फर्स्ट में यूज़ होती है, थर्ड क्वाड्रेंट का कहीं यूज़ नहीं होता। तो अब इसका एक टेबल बना देते हैं जिसे आपने हमेशा याद रखना है। और उसके अलावा फिर एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो देखो यदि आप डोमेन और रेंज का ख्याल नहीं रखोगे तो किस तरह गड़बड़ हो जाती है। तो इधर आप डालो सीरियल नंबर, इधर डालो फंक्शन, इधर डोमेन और इधर रेंज। तो सबसे इसको आपने करना है, पहला फर्स्ट, ये आपका साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका जो डोमेन लिया था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, फोर्थ और फर्स्ट में आया, और इसका जो डोमेन आया वो माइनस वन से आया, और जो रेंज आई वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आई। हाँ जी, दूसरा लेते हैं हम कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स एक्स का डोमेन लेकिन रेंज जो है इसकी, और थर्ड टैन इनवर्स एक्स लिया, इसकी रेंज रियल नंबर्स है और के अंदर लेते हैं। फोर्थ आपका कोट इनवर्स एक्स आया, इसकी रेंज नंबर्स है, और ये आपका जीरो से पाई, इसको आप देखो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स था, तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स था, जीरो पे अलाउड नहीं होता, और पाई ओपन है, पाई वे वैल्यू उसकी जीरो, ठीक है। तो जीरो से पाई आ, इसका क्या आएगा, जीरो से पाई, ठीक है। उसके बाद हमने लिया सीकेंड इनवर्स एक्स, और ये आया माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी, और इसका जो वो लिया हमने जीरो से पाई, कोस जीरो की वैल्यू, कोस पाई की वैल्यू भी, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, और वो क्या है बच्चों, पाई बाई टू, एक वैल्यू नहीं लेते। अगला छठा जो बचा वो हमारा है कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट और
की सेम होती है डोमेन यूनियन वन से इन्फिनिटी वन इन्वॉल्व है और ये आपका आएगा जीरो से पाई, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और इसके अंदर जीरो इन्वॉल्व नहीं होता। तो अब बच्चों देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये सारे ही आपके फर्स्ट और फोर्थ में कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट और फोर्थ में हैं, ठीक है, और जो जिसको मैं क्रॉस करूँगा वो फर्स्ट और सेकंड के अंदर है, ठीक है। इन दोनों फंक्शन का डोमेन सेम है और इन दोनों फंक्शन का डोमेन सेम है और इन दोनों फंक्शन का डोमेन सेम है, ठीक है। और रेंज जो है आपकी साइन और टैन की सेम है, पर वो ओपन इंटरवल के अंदर है। साइन टैन कोसिकन की सेम है, उधर से कोस कोट और सिकन की सेम है, तो सिकन और कोसिकन के अंदर जो है कुछ ना कुछ एक एक भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस तरह इस टेबल को आपने ध्यान रखना है और सारे ग्राफ्स का ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन आपसे अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थिंक दिस।